वेलकम टू बुल्स एरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो के स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। इंडिगो का स्टॉक रिसेंटली बहुत अच्छा तेजी करने के बाद इसमें सडनली बहुत ही तेज गिरावट लगी हुई है, तो इस गिरावट में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से ये स्टॉक संभल सकता है और यू टर्न ले सकता है, उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिगो में ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट किया, 1830 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू बहुत अच्छी रैली दिया, आफ्टर करेक्शन उसी लेवल को सपोर्ट में लिया और फिर से रैली दिया और ऑल टाइम हाई बनाया। और यहां से आप देख सकते हैं कि जितनी जो तेज़ी हुई थी इस दौरान, आप देख सकते हैं कि यहां पर 4-5 दिनों में ही ये तेज़ी पूरी तरीके से मंदी में बदल गई और ये स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2400 के लेवल में पहुँच चुका था, लेकिन 5-6 दिनों में ही ये स्टॉक वहाँ से गिर के 1800-1900 के लेवल में आ गया। तो अब इंटर ग्लोब एविएशन में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां से यू टर्न पॉसिबल हो सकता है। तो जैसा कि इसमें सिंपल लेवल है इंटर ग्लोब एविएशन इंडिगो में, अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े होंगे और यहां पर आप प्रूफ के लिए सर्च करके जाके देख सकते हैं इंडिगो में हमने किस तरह के और पहले लेवल्स से आपको अवेयर कराया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इंडिगो जब जब इस रजिस्टर, जैसा कि ये नीचे के लेवल से आ रहा था तो ये एज अ रजिस्टेंस वर्क कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन की वैल्यू आप देख रहे हैं 1830-1825 के लेवल, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी सेल आपको सजेस्ट किया था, अगेन यहाँ पर सेल किया, अगेन यहाँ पर सेल सजेस्ट किया था और हर बार कहा था कि जब भी ये इस लेवल को ब्रेक करेगा इसके ऊपर में बड़ी तेजी होगी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई। आप प्रूफ के लिए यहाँ पर वीडियोस को जाके सर्च करके देख सकते हैं, तभी आपको ट्रस्ट होगा। तो ब्रेकआउट किया, ऊपर में अच्छी तेजी हुई, लेकिन इस गिरावट में सेम वही जो लेवल है 1830-1825 जो कि पहले रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को किस तरह से बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसी तरह से एक बार यहाँ पे सडनली गिरावट हुई थी ये वाली पॉइंट पे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि तेजी हुई बहुत अच्छे से और अगेन ये गिरा है। तो इस बार भी 1830.45-1825.60 यही जो लेवल है एज इट इज लेवल है जो कि कन्वर्ट हो चुके हैं सपोर्ट के तौर पे, जो पहले रेजिस्टेंस थे, लेकिन अब क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है तो सेम लेवल है लेकिन वो सपोर्ट बन चुके हैं। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1830.45-1825.60 इंडिगो में इस लेवल को आप नोट करके रखें। ये जो लेवल है बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं करेगा यहाँ से और बड़ी गिरावट की आप उम्मीद ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर के लेवल से बहुत अच्छी गिरावट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ये 500 पॉइंट की इसमें गिरावट हो चुकी है। तो इसलिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक कुछ ना कुछ संभलता है, रैली करता है, रिवर्सल लेता है, तो इस लिहाज से ये जो रैली, ये जो संभलने का जो लेवल है वो 1830-1825 ही है। यहाँ से आप होप कर सकते हैं कि स्टॉक पलट सकता है और कुछ दिनों तक यहाँ से आपको रैली दिख सकती है, जब तक कि 1825 का लेवल ब्रेक नहीं करे। इस होप के साथ आप लेवल को नोट करके रखें और यहाँ पे अगर आएगा तो चीज़ों को अच्छे से समझ के बाइंग करने की सोच सकते हैं जब तक 1825 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, इंडिको में किस तरह से बड़े लेवल हैं वो भी आपने समझ लिया होगा और इस तरह का जो एडवांस पे लेवल्स हम अलग अलग स्टॉक में टाइम टू टाइम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं, उसका बेनिफिट लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।